लेट हो गया हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है ड्यू टू कोविड की वजह से, तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आज पढ़ते हैं 18 अप्रैल, कल से मैं रेगुलर उसी रूटीन पे आ जाऊँगा, सॉरी ठीक है ना। तो मैं लेट पढ़ा हिंदू भी, पहले पेपर पे कोई न्यूज़ नहीं है, आज कोई भी न्यूज़ नहीं है, सारे रिलेटेड टू कोविड 19 और बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड। पहली न्यूज़ आती है मतलब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है साउथ स्टेट में, क्यों बढ़ा है, उसका रीज़न क्या है, या खुद देखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। एक तो मतलब पेंडेमिक टाइम पे ये बढ़ रहा है, तो कोई रीज़न तो, कोई कारण तो होगा, एक तो इलेक्शंस है, और फिर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, क्योंकि इलेक्शन लड़ना था तो कुछ मुद्दा डेवलपमेंट कर लेके जाना था। फिर यूएस में कुछ सिख को, मतलब जो सिख्स हैं उनको, मतलब कि जो मैंने बताया था, मतलब वहाँ पे उन्हें फ्रीली मतलब शूट किया गया, क्लैश हो गया अमेरिकन और इंडियन एम्प्लॉय वालों के बीच में, तो ये भी एक सैड न्यूज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर ये वाली न्यूज़ है, नीचे चलते हैं, सब जगह आप यही पढ़ोगे, आईसीयू बेड इतने बचे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड है, सब पूरे पेपर में यही न्यूज़ है कि मतलब कि वीकेंड लॉकडाउन, ऐसे ये मेरे सामने जो रोड है उसी का ये दृश्य है, ठीक है ना, हर जगह यही ऑक्सीजन डिमांड, और कोई न्यूज़ नहीं है, सब कोरोना से रिलेटेड है, क्योंकि इतना बड़ी बीमारी बहुत साल बाद फेस की है, तो सारी पेपर में वही न्यूज़ है। फिर दूसरी आती है कि रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूज़ क्रिकेट ग्राउंड, क्योंकि एनजीटी ने क्वेश्चन मार्क किया है, जो ग्राउंड के लिए वाटर का यूज़ करते हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जैसे विदर्भा रीजन है या मुंबई रीजन है, वाटर क्लैशेस है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क किया है कि आप जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो उसको रेगुलेट करो, ग्राउंड वाटर का यूज़ कम करो। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है हमारे पढ़ने के लिए आएगी, जो आपका ग्रेट इंडियन आपका बूस्टर्ड है, एक बर्ड है, उसको मतलब कि ऐसे पाकिस्तान में उसके मतलब पे उसका शिकार किया जाता है, तो रीज़न कौन सा है आपका, कोलिस्तान, जो आपका कोहलिस्तान जो डेजर्ट है ये कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, तो एक फ़ोटो शेयर हुई है, और ये पाकिस्तान है, मतलब इस जगह ये गलत चीज़ें पूछिंग हो रही है, मतलब ऐसे शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, फोटो को, तो ये गलत चीज़ है। कुछ मैं आपके बारे में बता देता हूँ उसके बारे में, जो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो जैसलमेर और बाड़मेर कवर अंदर कवर आता है, तो ये वहाँ पे मतलब कि इसकी पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है, और एक तरह से क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज़ है, ये भी आप याद रखना, क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज़ है, कौन सा, ग्रेट इंडियन रोजचार्ड, ये क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज़, ठीक है ना। इनके लिए बहुत सारे मतलब वो प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं इनको बचाने के लिए, IUCN का क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज़ कोई आता है ये, और बहुत सारे इनके प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए, जैसे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने मतलब कि ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, इसने बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम IUCN ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाया, तो आपका IUCN स्टेटस याद रखना है, कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है, राजस्थान में जो आपका डेजर्ट है, आपका कोहलिस्तान जो डेजर्ट है ये कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है, ये एक्सटेंड पार्ट है, जो आपका थार डेजर्ट है तो ये थोड़ा पाकिस्तान में भी जाता है, तो उसका एक्सटेंड पार्ट है, उधर दूसरा नाम है, इधर दूसरा नाम है। ये इलेक्शंस हैं तो मतलब कि कोविड पाए जा रहे हैं, उन्हें ऐसे लिए जा रहा है, क्यों इलेक्शन करा रहे हैं, क्यों मीटिंगें कर रहे हैं, एक साइड आप पूरा इधर बंद पड़ा है, लॉकडाउन पड़ा है, उधर एक तरफ इलेक्शन चालू है, तो मतलब ये गलत चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए, एक तरफ गैदरिंग कर रहे हैं और एक तरफ खुद मना कर रहे हैं कि कोरोना एक बहुत बीमारी ले चुका है, ये चीज़ सब चीज़ गलत है। जब केसेस कम से कम 2.5 लाख केसेस आए हैं एक साथ, कुंभ जो है अनाउंस अभी 4-10 दिन और चलना था, 30-31 अप्रैल तक, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको एक तरह से इलेक्शन को भी आप मतलब कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते थे, इमरजेंसी पे आपके पास प्रोविज़न है, अगर कोई ऐसी आपदा आती है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, सब चीज़ का पैसा हेल्थ इमरजेंसी में जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी है इंडिया में, बहुत तकड़ी इमरजेंसी, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है घर में हो आप, बाहर रोड पे हॉस्पिटल के, मेरे सारे आसपास हॉस्पिटल ही है, मैं अभी शाम को देखने गया था ऐसे ही, तो मैंने सब जगह देखा, सब जगह यही कंडीशन है, एम्बुलेंस की लाइन है, ये सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज़ इसको हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखें, ना कि इलेक्शन बेसिस पे ना देखें, यही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मतलब कि तमिलनाडु में श्रीलंका जो ईस्टर्न प्रोविंसेस में थ्रेट है कुछ लैंड को लेकर, वो हमने कई बार पढ़ लिया, लैंड माफिया, ये हमारे कोई न्यूज़ नहीं है। फिर जुंटा लीडर जो है, मतलब जो म्यांमार में जो कब्जा किया हुआ जुंटा लीडर जो है, उनका मीन उइंग एलिंग करके नाम है इनका, ये अभी ज्वाइन करेंगे एशियान समिट को, तो हम एशियान समिट पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नटराजन जो है, नटराजन बस नाम याद रखो, वहाँ पे अटैक हुआ था, अटैक ऐसा अटैक नहीं हुआ था, वहाँ पे मतलब कि अटैक किया हुआ था, वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो ईरान जहाँ पे एनरिच कर रहा है अपने, किसको एनरिच कर रहा है, यूरेनियम को एनरिच करके बम बना रहा है, तो नटराजन जगह जो है वो ईरान के अंदर, आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट न्यूज आती है सन डस्ट, बस इतने याद रखो, 5 टन ऑफ देम फॉल ऑन द अर्थ एवरी ईयर, यानी कि 52 टन के आसपास, 5200 टन के आसपास इंडिया में हर बार जो स्टार की डस्ट है, मतलब कि वो मेट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, जो इंडिया धरती गिरते हैं, मेट्रॉइड्स गिरते हैं, वो सब की जो डस्ट है वो मतलब इतने टन के आसपास हर साल ऊपर से नीचे गिरती है, इतना बस आप याद रखें।
फिर एक स्पीसीज फाइंड की गई रेट की, मतलब ओल्ड रेट, ये ऐसा फाइंड किया गया है माइक्रो जिसके फॉसिल्स हैं इस रेट की। बताया जाता है कि जहाँ से मैमल स्टार्ट हुए थे वहाँ से इस रेट का जन्म, मतलब जब से चलता आ रहा है जहाँ से मैमल स्टार्ट हुए थे, तब से ये रेट है, स्पीसीज है। बस आपको इसका नाम याद रखना है, कहाँ पे आईआईटी खड़गपुर ने इसको पाया है, कहाँ पे क्या नाम है इसका, ये रखना, रीवा कोनोडन इंडिकस इसका नाम है, ठीक है ना, रीवा कोनोडस इंडिकस इसका नाम है। ऐसी स्पीसीज है, जैसे रेट है, और ये जब से इसकी, मतलब कि जहाँ से मैमल्स का, मतलब कि इनोग्रेशन है, जहाँ पे मैमल बनने स्टार्ट हुए प्रेजेंट डे में है, वहाँ से इसकी मतलब पाया जाता है, इतना पुराना ही है, तो आप बस थोड़ा सा याद रखना। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है, एरिस एक फैसिलिटी है होस्ट सपोर्ट टू सेंट्रल ऑफ आदित्य L1, तो हम आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे। मैं एरिस के बारे में आपको बता देता हूँ, ये एक स्पेस सेंटर है जो नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है ना, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। अभी क्या होगा, जो L1 है वहाँ पे आप सैटेलाइट वहाँ पे भेजेंगे और तो यहाँ पे स्टडी की जाएंगी उसकी, ये जो सेंटर है नैनीताल बेस्ड जो सेंटर है यहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो मैं आपको आदित्य L1 बारे में पढ़ाऊंगा, आशियान के बारे में पढ़ाऊंगा, उनसे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो सोलर एटमॉस्फेयर, मतलब वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, आपको L1 भी बताऊंगा क्या है, आदित्य L1 प्रोजेक्ट भी आपको बताऊंगा क्या है। फिर एक जो एक स्टडी आई है, टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं जो इनमें क्या है, टेम्परेचर कभी डिटरमाइन करता है सेक्स, जैसे टेम्परेचर हाई है, मतलब टेम्परेचर हाई इन द सेंस, मतलब कि आपका हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, तो वो डिटरमाइन करता है जो रेप्टाइल्स होते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स तो कुछ पक्के चलते हैं वो एक तरीके से, तो जो टेम्परेचर होता है उनकी बॉडी का या उनके बाहर का टेम्परेचर, वो डिटरमाइन करता है सेक्स, क्रोमोजोम्स कैसे होंगे, जैसे इंसान में होते हैं ना XX क्रोमोजोम, XY क्रोमोजोम, ठीक है ना, वुमेन के अंदर तो एक्स होते हैं, वो इंसान डिटरमाइन करता है कि उसके एक्स क्रोमोजोम XX होंगे तो फीमेल होगी, XY होंगे तो आपका मेल होगा। तो ऐसे ही रेप्टाइल्स में होता है, उसमें होते हैं ZZ क्रोमोजोम्स, अगर मेल होगा तो उसमें क्या होंगे, ZZ क्रोमोजोम्स होंगे, सेक्स क्रोमोजोम होंगे, ZW होगा तो फीमेल क्रोमोजोम्स होंगे। ऐसा बताया गया कि हॉट टेम्परेचर होता है तो ZZ क्रोमोजोम्स होने के चांसेस होते हैं, यानी कि गर्मी होती है शरीर में तो मेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मतलब कि थोड़ा कम होता है तो फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बस एक ऐसा कुछ आए। टेम्परेचर आपके ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए, टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ द रेप्टाइल्स, तो आपको लिखना है यस, ये आपको पॉइंट आउट करना है। कॉपीराइट वे हमारी कोई बात नहीं है, ये गूगल के और ऑरकल जो एक है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपकी कहाँ की, US की, उनकी वार चली, कॉपीराइट आपको पता ही है, एक ने कुछ बना लिया तो दूसरे पर, अब उसने पैटर्न ले रखा है तो आप दूसरा नहीं बना सकता। COVID-19 वैक्सीन ब्लड क्लॉट, ये मैंने आप कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी स्टडी आई है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। असेसिंग किया गया है कि स्टूडेंट जो पेंडेमिक टाइम पे पढ़ रहे हैं कितनी बार, क्या वो अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, और 12th-11th के एग्ज़ाम हमने ख़त्म किया उसको हम कैसे कंडक्ट कराना चाहिए। तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, उसके बारे में आपको याद रखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपने 10th के एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, 12th के तो भूला है कि रिव्यू करेंगे पर पोस्टपोन किए हैं, तो 10th के कैंसिल किए हैं, 10th के एग्ज़ाम आप कैसे करा सकते हो, जैसे विदेशों में होते हैं वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर आपको बताते हैं आपको इस पर प्रोजेक्ट को तैयार करना है, ये फिर असिस्ट करते हैं, आपने सुना होगा कहीं फॉरन में कोई पढ़ने गया होगा कि ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं उनके, उनको ऑनलाइन सबमिट करना होती है अपनी जो भी चीज़ें रिसर्च फीचर्स की, थोड़ा दिमाग लगाएंगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ऑनलाइन असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं उनको कोई प्रोग्राम दे दो, और उसमें कैसा होता है, कंप्यूटर क्या होता है ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, जैसे इसने लिखा, इस बच्चे ने लिखा, इन दोनों बच्चे ने घर पे जाके कॉपी कर लिया, मतलब घर पे इन द सेंस उसने उसे भेज दिया कॉपी कर लिया, तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डिटेक्ट कर लेता है कि इन दोनों ने एक सा लिखा है, कहीं ना कहीं दोनों ने एक सा लिखा है, तो फिर क्या होता है कि मार्क्स नहीं मिलता है। रिसर्च प्रोग्राम ऐसी विदेशों में आप जाओगे, रिसर्च प्रोग्राम ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, आप कभी देखोगे, तो वही इन्होंने एक फीडबैक दिया है, क्योंकि एक तरह से मतलब पूरा पेंडेमिक सिचुएशन चेंज हो गई है, आपने देखोगे मतलब लोगों के पास फेस प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, जितना फिजिकली अच्छा पढ़ सकते हैं उतना मतलब ऑनलाइन स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है हर जगह कि एक्ट ऑफ गॉड है, कुछ उसे करने के लिए बोलते हैं तो बोलती है एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या करें। तो ठीक है, ऐसी नेशनल सैंपल सर्वे आया है, आप इंडिकेट कर सकते हैं उसमें क्या है, ओनली 4% रूरल हाउस होल्ड जो बोलता है कि 23% अर्बन के पास कंप्यूटर सिस्टम है, कि 4% जो रूरल गांव के लोग हैं, 23% अर्बन के, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा नेशनल सैंपल सर्वे बोला है, NSS बोल रहा है, और जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो रूरल में 15% लोगों के पास है, 42% अर्बन में, तो आप खुद देखो कि कितनी बड़ी जनसंख्या, नियर अबाउट 50-60% जनसंख्या लेफ्ट आउट हो गई है, और वो दोबारा से वो स्टडी छोड़ गई, जो हम प्रोग्राम हमने चलाए थे मिड डे मील, लालन मिड डे मील प्रोग्राम चलाया था, उसमें न्यूट्रिशन अपलिफ्टमेंट भी किया जाता था,
बच्चों को अच्छे मिड डे मील खिलाया जाता था, आयरन की गोली टेबलेट दी जाती, दुनिया भर की चीज़ दी जाती थी, उसमें फेल हो गया। फिर हमने अटेंडेंस अपनी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाए, जैसे हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है ना, मल्टी डायमेंशन, उसमें क्या होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होती है और लाइफ स्टाइल होता है। तो हम उसमें बिल्कुल फॉल कर गए, लाइफ स्टाइल में तो फॉल कर रहे हैं, उसमें हेल्थ में फॉल कर गए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम पे हम खुद देख रहे हो कोरोना के पेशेंट ही जा रहे हैं, नॉर्मल पेशेंट है जिसको अपना चेकअप कराना है, जिसको अपना मतलब प्रेगनेंसी कुछ भी चीज़ का टेस्ट कराना है, वैक्सीनेशन लेना है मतलब बच्चा होने के बाद, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो आपका हेल्थ सेक्टर भी फॉल होता जा रहा है, और जो एजुकेशन सेक्टर है, जो अटेंडेंस, उसमें कुछ 10 क्राइटेरिया है कि जैसे हेल्थ सेक्टर कैसे मतलब कि एजुकेशन सेक्टर कैसे नापेंगे, अटेंडेंस कितनी है बच्चों की और वो बच्चे मतलब कि बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे, ठीक है ना, तो उस चीज़ से हम नापते हैं, वो भी फॉलो होता जा रहा है हमारा। तो हमारा पूरा जो मल्टी डायमेंशनल आपका जो स्टार्ट हुआ था 2010 से स्टार्ट हुआ था, अमृत सेन और जो पाकिस्तान के थे वो स्टार्ट किया था, पूरी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 10 पॉइंट डिसएडवांटेज और एडवांटेज निकालना है ऑनलाइन स्टडी की, क्या क्या पेंडेमिक के टाइम में प्रॉब्लम आए, ये आप खुद करना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये सारा पाकिस्तान के ऊपर है, उन्होंने कुछ अपना बैन किए हैं, ठीक है ना, जैसे उनकी TLP आपकी तारीख लबाक करके पाकिस्तान में ग्रुप था, इसको बैन कर दिया उन्होंने, वो उनके ऊपर है क्या उन्होंने किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया है, जो अरेस्ट किए थे 1994 में, एक साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था रामानंद करके उनका नाम था, सॉरी नारायणा करके नाम था, ठीक है ना, उन्हें अरेस्ट किया था, क्या प्रूफ था 1994 में उनको अरेस्ट किया था, और उनसे बोला था जो डॉक्यूमेंट है इसरो के आप लीक कर रहे हो किसी पाकिस्तान का, किसी फॉरेन कंट्री को बेच रहे हो, ठीक है ना, जो प्रोग्राम है इसरो के, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद वो जेल में आए, फिर 2018 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन पर कोई ऐसी एलिगेशन ही नहीं पाई गई, वो सब कुछ फॉल्स तरीके से किया गया था। फिर उन्होंने कंपेंसेशन लगाया कि मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी, मैं साइंटिस्ट था, तुमने ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी, तो मुझे 50 लाख कंपेंसेशन देना चाहिए, इतने साल जेल में काट दिए 1995 से 2018 तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बोला है पूरी जाँच करो कौन कौन से ऑफिसर जो आपके पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे उनको चेक करो। तो ये आप लिख सकते हो, केस स्टडी में पूछा जा सकता है, तो आप इसके कोई आंसर तैयार करना। फिर आता है PLI जो स्कीम है आपका, PLI जो स्कीम है मतलब कि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव, जैसे आपने अच्छा प्रोडक्शन किया, जैसे मोबाइल वालों को दी जा रही है, और फिर आपका फार्मास्यूटिकल वाले जो इस्टेब्लिश करेंगे इंडस्ट्री इनको दी जा रही है, तो आपका प्रोडक्शन कितना अच्छा रहा उसके हिसाब से आपका इंटेंसिव प्रोवाइड कराया जाएगा। इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट के बारे में, मतलब टैक्स कम दे देंगे और आपको जो प्रोडक्शन करेंगे उस पर भी आपको कुछ छूट दी जाएगी। तो आप AC और LED लाइट के लिए भी मतलब कि टू एक्सक्लूड मेरी असेंबल, मतलब कि एक्सक्लूड किया गया था PIL के बारे में, मैंने आपको बता दिया PIL। दूसरी जो आती है ऑनलाइन एडवाइस हेल्प 45% ऑफ लिटिगेशन, जो एक लीगल कार्ड है। लीगल कार्ड क्या होता है, जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लीगल वाइज इन्फॉर्मेशन लेनी है, लीगल कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वकील से कोई सलाह लेनी है, तो उसके लिए एक लीगल कार्ड ऐप बनाया हुआ। तो इससे क्या पता लगा है, ऑनलाइन जो एडवाइस है वो 50% लिटिगेशन, जो केसेस जाते हैं ना जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो कोर्ट में चले जाते हैं, ये वो सब चीज़ें, तो हैरेस होता है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल है लीगल कार्ड नाम का, वहाँ पर जाके ऑनलाइन आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एक फी ली जाती है 15 मिनट कंसल्टेशन की कोई अच्छे वकील से 24/7 पे बेसिस पे। तो इससे क्या हुआ है कि लीगल की जो ऑनलाइन एडवाइस से हेल्प हुआ है, कट हो गई है 45% ऑफ लिटिगेशन। किसी को नहीं पता होता क्या कानून है, केस में पहुंच जाता है, कोर्ट अपने आप फैसला देगा, तो फिर पता लगता है कि हाँ ये कानून मेरे भी गलती है, तो कोर्ट में नहीं जाता। जो लिटिगेशन होती है PIL होती है आपकी, वो 45% तक कम हुई है। देखो ऑनलाइन के फायदे भी हैं नुकसान भी है, ठीक है ना, तो आप ये पढ़ लेना। जो CEO है लीगल कार्ड के, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। लीगल कार्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है, जैसे आपको वकील की सलाह लेनी है, तो इस जो सलाह से 50% लिटिगेशन है कम हो गई है। तो ये आपको चार्ज लगाते हैं, ऐसी बात नहीं कि वकील भी आपको बताएगा तो वो भी चार्ज लगाएगा, ऐसी वो चीज़ नहीं है। फार्मा का एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का, क्यों बढ़ गया आपको पता है, कोविड है, सबको वैक्सीन की ज़रूरत है, किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी कंट्री को कुछ, और इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसिंग है, पूरे वर्ल्ड में 30 नंबर पर लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है किसमें, वैक्सीन बनाने में। तो इतनी ही न्यूज़ थी, मैं आता हूँ अपना बेसिक न्यूज़ पे, जो मैंने आपको बताया था आदित्य L1 मिशन, ये क्या है, इंडिया इसरो का मिशन है, ठीक है ना, ये 2020 में भेजा जाना था, कोई वजह होगी, मतलब इसे नेक्स्ट ईयर इसको सेंड किया जाएगा, मतलब इसी ईयर इसको लास्ट में अगर अच्छा रहा सब कुछ तो सेंड किया जाएगा। ये आदित्य L1 क्या है, एक पॉइंट है, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ पॉइंट कौन सा। देखो ये सन है हमारा, ये अर्थ है, और ये सब चीज़ें, एक L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है और इजीली हम स्टडी कर पाते हैं सन की। तो ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं, L3 है जो सन के दूसरी साइड है, इधर से भी चेक कर पाते हैं,
L1 जो है अर्थ और सन के बीच में, L2 इधर है, इधर सैटेलाइट वर्क करती है, इधर L5 है और L4 है, कुछ पॉइंट होते हैं सन की स्टडी करता है, उसकी क्रोना, क्रोना देखो ये है जहाँ तक गैस निकल रही है जैसे क्रोना बोलते हैं, जहाँ तक इमिट कर पा रहा है उसे क्रोना बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए पॉइंट डेवलप किए गए हैं। तो हमारा L1 है, जो L1 कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा, वो अधिकतर L1 पे जाएगा और स्टडी करेगा सन की। तो वही एक मिशन है, इसरो का मिशन है, 2020 तक इसे टाइम लिमिट रखा गया था, और इसे कोई प्रॉब्लम के कारण इट वुड बी प्लेस द पॉइंट ऑफ द स्पेस L1। इसे क्या बोलते हैं, आपके लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं L1, ठीक है ना। आदित्य L1 विल बी इसरो सेकेंड स्पेस है, पहले भी हम भेज चुके हैं L1 पे, एस्ट्रोसैट भेज चुके हैं। तो आदित्य L1 को रीनेम किया गया, मतलब कि आदित्य L1, आदित्य 1 था इसका नाम, इसको आदित्य L1 किया गया, इसमें L ऐड कर दिया गया। तो लैग्रेंज जो पॉइंट है मैंने आपको बताया वो है। ये ओनली सोलर, मतलब सोलर क्रोना होता है, क्रोना मैंने आपको बताया कि जो एक तो सोलर ये सन हो गया, जिसके यहाँ पर रेजेस जाती हैं, उसकी रेजेस इफेक्ट करती हैं, उसे क्रोना बोलते हैं। तो ये क्रोना पर मतलब क्या करेगा, इसे ऑब्जर्व करके आएगा। एस्ट्रोसेट के बारे में बता, 2015 में लॉन्च हुआ था, PSLV से भेजा था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, फर्स्ट डिटेक्ट द इंडियन आपका एस्ट्रोनॉमी मिशन, एम टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एक्सरे ऑप्टिकल UV जो मतलब बैंड है साइमल्टेनियसली, इनकी स्टडी करने गया था, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ये दूसरा मिशन है आदित्य L1। अभी लॉन्चिंग पॉइंट क्या है इसका, PSLV से भेजेंगे, वही हमारे पास हथियार है, 7 पेलोड लेके जा रहा है, ये आप पढ़ लेना। इस सन की क्रोना जो विजिबल नियर का इन्फ्रंट रेस वाला एरिया उसको स्टडी करेगा, सन के फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड रेस वाला, क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा जहाँ से अल्ट्रावायलेट निकलती है, सोलर इमिशन को स्टडी करेगा, विंड जो निकलती है, गर्म हवाएं चलती हैं उसको स्टडी करेगा, क्रोनल मास जो आपका इंजेक्शन होता है, मतलब एक तरह से जो भी हवाएं निकलती हैं, गर्म हवाएं निकलती हैं, कुछ भी निकलता है सन से, उसकी सबकी स्टडी करेगा, राउंड ऑफ क्लॉक इमेज भेजेगा सन की पूरी। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, बहुत लंबा डिस्टेंस है, 15 करोड़ के आसपास है, चांद से भी ज़्यादा है कम से कम, तो ह्यूज डिस्टेंस है, पैसा भी ह्यूज लगने वाला है, और मे भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिक्स हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुपर हॉट टेम्परेचर है, रेडिएशन प्रॉब्लम से कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ प्लानट, कहते हैं ना कि सन से ही टूट टूट के सारे प्लानट बने हैं, तो उस चीज़ को स्टडी करेगा, सोलर सिस्टम डेवलप कैसे हुआ है, क्योंकि सन के चारों तरफ घूमता है तो सन से कुछ तो लिंक होगा, तो उसकी स्टडी करेगा, सोलर का वेदर स्टडी करेगा, कम गर्म हवा निकालता है तो उस पर क्या इफेक्ट क्लाइमेट पर पड़ता है, क्या हमारी एटमोसफेयर की जो लेयर्स है, आपका एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आपका थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, आइनोस्फेयर, जो सारी लेयर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आता है सन की रेजेस का, कम ज़्यादा निकालता है तो उस पे क्या इफेक्ट है, सब चीज़ की स्टडी की जाएगी। ट्रैक किया जाएगा अर्थ डायरेक्शन के स्ट्रोम का, अगर सन से कोई स्ट्रोम निकल रहा है, गर्म हवा निकली है, तो अर्थ पे क्या इफेक्ट डालेगी। आपने मॉम मूवी देखी होगी, मॉम मिशन जो था उसको सन की मतलब कि गर्म हवा निकलने का यूज़ किया गया, इसलिए सस्ते में भेजा गया, आप मूवी देखना, वो क्या किया गया था, सन की जो गर्म हवा जाती है स्पीड से उसका यूटिलाइजेशन किया गया था उसमें, मिशन की जो मॉम मिशन गया था, ठीक है ना। अदर मिशन ऑफ द सन, जो सन से रिलेटेड मिशन है पूरी कंट्री में, नासा ने, जैसे नासा का है पार्कर प्रोब है, ये सोलर विंड एक्सीलेशन को स्टडी करने गया था, ठीक है ना, लिविंग विद द स्टार कैसे है मतलब, फिर हेलियोस 2 है आपका, ये जॉइंट वेंचर है नासा का और वेस्टर्न जर्मनी का, मतलब वेस्ट जर्मनी बोल दो, अभी वेस्ट ईस्ट जर्मनी क्यों बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह है उसकी लड़ाई चलती रहती है, वो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो कहीं कहीं वेस्ट जर्मनी लिखा मिलेगा आपको। तो ये आपका हीलियस 2 करके सोलर मिशन है, ये किसका है, नासा का और जर्मनी का था, 1976 में भेजा गया था। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाई दिए, वेयर द सन ग्रेविटेशनल फोर्स टू बॉडी, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब एक तरह से पूरा कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, दोनों एक तरफ नहीं खींचेंगे। तो कहाँ पे 1.5 मिलियन किलोमीटर, जैसे मैंने बताया आपको 15 करोड़ के आसपास है, ये पॉइंट है, ऑप्टिकल प्लेन है, मतलब कि जो अर्थ और सन के बीच में है, रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन, ठीक है ना, स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाते हैं, तो फ्यूल कंजप्शन, क्योंकि अगर आपको 0 ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो आप वहाँ पे रुक दोगे, वहीं पे रुका रहेगा, अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी तो अपनी तरफ खींचेगी, तो आपको फ्यूल चाहिए उसको एक्सक्लेट करने के लिए आगे, रोकने के लिए, तो वो फ्यूल की कंजप्शन कम होती है। तो L1 पॉइंट है, मैंने आपको बताई दिए, ठीक है ना, इसे सोलर और हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पे L1 पे रखी जाती है, सोलर मतलब सन की टाइप में और हेलियोस्फेरिक जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वहाँ पे प्लेस की जाती हैं, कहाँ पे L1 पे। अब ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या, ये मैं नासा की वेबसाइट से उठाया, ये डायग्राम भी नासा की वेबसाइट से उठाया, ठीक है ना, इसमें लिखा है, देखो नासा साइंस टर्म सोर्स कहाँ से,
ठीक है ना। तो लैग्रेंज पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि लैग्रेंज पॉइंट होते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मास इक्वल, या तो इक्वल होती है, इक्वल का मतलब वो भी इतना खींच रहा है वो भी इतना खींच रहा है, तो जीरो हो जाएगी। सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद इट, मतलब वहीं पे चलता रहता है, रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन मैंने आपको बताई दिया। पोजिशन इन द स्पेस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स टू फोर्स मतलब सन ऑन द प्रोड्यूस द एनर्जी रीजन ऑफ अट्रैक्ट एंड रिपल्सर, दोनों सेम होती है, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगी वहाँ पे। इटालियन मतलब कि फ्रेंच मैथमेटिक्स थे जिनका नाम था लैग्रेंज, मतलब जोसेफ लुइस लैग्रेंज, उनके नाम पे रखा गया, तो इटालियन फ्रेंच के वो साइंटिस्ट थे। अब उसमें अलग अलग कुछ पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, 5 लैग्रेंज पॉइंट है, या मैंने बहुत ऐड किया थोड़ा पढ़ने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो साथ में। तो L1 मैंने अंदर बताया था, फिर L2 मैंने कहाँ पे बताया था वो आप मैप में देख लेना है। तो L1, L2, L3, L4, L5 है, जो L1, L2, L3 है लाइज अलॉन्ग द लाइन कनेक्टेड टू द टू लार्ज मास, जो लाइन कनेक्टेड है, और L4 जो L5 है ये अपेक्स टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं लार्ज मासेस वर्टिकली। L4 जो है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, L5 फॉलो, जो मैंने आपको बताया, मैप में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना देखो L5 ये साइड में इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसकी तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं दोनों। अब ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन में है, देखो L1, L2, L3, तो आपको ये भी याद रखना है, L1 जो है ये है, L2 बाहर है अर्थ के, और ये L1 जो अपोजिट साइड है सन के, ये भी आपको याद रखना है। फिर इनके बारे में देख क्या नाम है, L3 इज पॉइंट द रिमेन द हिंडर बिहाइंड द सन, बता चुका हूँ। L2, L3, 5 आर द स्टेबल ऑर्बिट, ये एक तरह से स्टेबल है, सो लॉन्ग एज द मास रेशियो बिटवीन द, मतलब कि ये सब बनाते हैं, आपको बस थोड़ा याद रखना है ये लैग्रेंज पॉइंट है कौन कहाँ। अब एशियन समिट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि होने वाली है, ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है, मीन्स में इसके ग्रुप का क्यों हमारे लिए इतना है, चैलेंजेस क्या है, क्यों क्यों फेस कर रहा है आपका एशियन, ठीक है ना। एक तो इसमें ये आप बताना है कि इंडिया एशियन का मेंबर है क्या नहीं, आप ऐसा कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो आपको बता दूँ, एक इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन सबमिट है, जब साउथ ईस्ट एशिया के नेशन आते हैं, ठीक है ना, उसकी सारी सबमिट है। कोविड टाइम पे इसकी वर्चुअल सबमिट होने वाली है, जिसको जुमटा जो है म्यांमार के उसे करेंगे। तो व्हाट इज एशियन, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, ठीक है, इसका वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी मोटो इसका ये है, और इसका आसियान का सेक्रेटरीट जो है इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है इसका जो सेक्रेटरीट है, ठीक है ना। इस्टेब्लिश 1967 में किया गया था, आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है इसे, जो साइन हुई थी, और जिसके फाउंडिंग फादर थे आसियान के, ठीक है, वो आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन आपकी बिम्सटेक से भी रिलेटेड है, बिम्सटेक इसके इंडिया इसका मेंबर है, तो वो भी आप याद रखना, दोनों कंफ्यूज मत होना, आसियान से भी थी वहाँ पे भी थी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म क्या है, इसमें चेयरमैन होता है आसियान का, रोटेट बाय, कभी ये बन जाएगा कभी वो बन जाएगा, तो इसके मेंबर 10 मेंबर है, मैं अभी आपको बता दूँ। और म्यांमार से नीचे के जितनी भी कंट्री हैं, एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, सारे इसके मेंबर साउथ ईस्ट एशिया में वही आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में तो इंडिया भी आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा है। आसियान समिट इसकी बार होती रहती है, एनुअली मीटिंग इसकी होती रहती है, पॉलिसी फॉर्म करते रहते हैं, ट्वाइस ए ईयर होती है फॉर्मल, मतलब एनुअली नहीं होती। और इसके कुछ मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स हैं जो बैठ के बात करते हैं, जैसे आपकी आसियान कोऑर्डिनेशन काउंसिल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी और सोशल कल्चर, तो तीनों पे काम करता है, एक तो आपका सिक्योरिटी पे भी, इकोनॉमी पे भी और सोशल कल्चर पे भी, तो तीनों पे काम करता है। ये इसके नेशन है, पहला आएगा म्यांमार, हम चलेंगे ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे इंडिया से, तो बॉर्डिंग टच म्यांमार है, फिर टच जो आपका थाईलैंड में, हम ट्राइलेटरल मतलब कि एक रोड भी बना रहे हैं, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड तक जाएगी, कोशिश करेंगे इसे वियतनाम तक जोड़ा जाए, क्योंकि सारी ये रोड डेवलप कर सकते हैं, तो कितनी कंट्री होगी, ये होगी सारी आपकी म्यांमार, थाईलैंड, ऊपर लाओस आ जाएगी, नीचे आपकी कंबोडिया आ जाएगी, लास्ट में वियतनाम, तो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 बची, 5, 10 है। अब 10 और नीचे आ जाओ, थाईलैंड को एक्सटेंड करते रहो, ये थाईलैंड ही आ रहा है सारा, फिर आएगी मलेशिया, 6, इसमें पॉइंट पर आती है सिंगापुर, यहाँ जरा सी जहाँ पे आपका मलाका स्ट्रीट है, ये यहाँ पे आती है आपका स्ट्रीट है, यहाँ पे आती है आपकी सिंगापुर, तो सिंगापुर ये हो जाएगी, तो कितनी होगी, 5, 6, 7 होगी। अब बची हमारी 3, तो 3 कौन से, उसके नीचे आती है इंडोनेशिया, साइड में आती है पूरी इंडोनेशिया, देखो ये पूरी इंडोनेशिया है, ये पूरी इंडोनेशिया, और उसके साइड में आती है आपका ब्रुनेई, ठीक है ना, उसके ऊपर आते हैं फिलीपींस, तो ये कौन सी सारी कंट्री है, ये सारी कंट्रीज में ना चाइना है, ना इंडिया है, ना कोई भी नहीं है, तो साउथ ईस्ट एशियन ये सारी कंट्री को बोला जाता है। अब इस ग्रुप के सिग्निफिकेंस क्या है, कि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड का, ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूरोपियन यूनियन नॉर्थ अमेरिका के बाद, और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड की, सबको कंबाइन देखेंगे आसियान को, और थर्ड लार्जेस्ट एशिया में, मतलब थर्ड लार्जेस्ट एशिया में, इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जैसे आरसीईपी बोलते हैं, जिसे आरसीईपी बोलते हैं। अभी इंडिया बाहर हो गया, उसमें 16 मेंबर थे,
इंडिया उससे बाहर हो गया, तो यही 16 मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इंडिया को बाहर कर देते, 15 आरसीपी में मेंबर रह गए, तो 10 एशियान के और 4 ये हैं, देखो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऐसे याद करो। 10 एशियान के हो गए आरसीपी के अंदर, एक हो गया इंडिया चाइना, इधर हो गया क्लैश चलता है, इधर साउथ कोरिया जापान, और नीचे आ गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 6 मेंबर और थे, इंडिया बाहर हो गया तो 15 ही मेंबर रह गए आरसीपी के। तो आपने ये भी याद कर लिया, तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप के, ये सारी चीज़ें। इतनी ही न्यूज़ थी हमारी, यहीं पे हम विराम लेते हैं, आज कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन, मतलब इस पीडीएफ की पीडीएफ चाहिए, या हाईलाइट पीडीएफ चाहिए हिंदू की, या फिर ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं लेट हो गया, मॉर्निंग में मैं 10-11 बजे पेपर अप डाल देता हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ फॉर्म तो सुबह 6 बजे डाल देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा लेट हो जाता हूँ थोड़ा उसको करने में। थैंक यू सो मच।